कि कोई मिल जाती तो हाथ फैलाती और हम भी पीछे से हाथ फैलाते और वो फील करते। ये जो पूरे दुनिया को छू गई, हाँ, तो ये रोमांटिसिज्म का जो बुखार था वो फिर कभी नहीं चढ़ा। मतलब अभी अब तो खैर उसके बाद कभी नहीं हुआ, उसके बाद या तो इंटेलेक्चुअल वो रोमांटिक बुखार चढ़ने का भी उम्र होती है, उम्र होती है। ये तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि वो ये तीनों फिल्म का सर वो था। सही बात, तो ऐसी उम्र में बुखार बहुत जल्दी चलता है और आसानी से चढ़ता, तो सर को लो तो है ही, आसानी से चढ़ता है। अच्छा, जब लिखने लिख रहा था तब मेरी भी उम्र थी। जी जी। तो अगर अभी अगर आपको सर वो ASCII का स्क्रिप्ट मान लीजिए आपका लिखने का हो, तो क्या वो उसी टच के साथ आप लिखेंगे सर या कुछ? मैं लिख तो दूंगा क्योंकि उसका स्क्रिप्ट राइटिंग का गणित मुझे पता है। जी जी। इसका एक मैथमेटिक्स होता है स्टोरी टेलिंग, हाँ हाँ, जो मुझे पता है। हाँ हाँ। लेकिन उसमें जो नुआंसेस होते हैं, जी जी, बारीकियां होती है, जी जी, उसके लिए किसी यंग राइटर को साथ में रखूंगा। अच्छा, जी जी जी, किसी जवान लड़के लड़की हो, हाँ हाँ, ताकि मर मुस्कान ना जाए उनकी सोच। हाँ हाँ हाँ। आज आज का यूथ क्या सोचता है, जी जी जी, कैसे सोचता है, हाँ हाँ, ये भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। जी जी जी। आज आज कॉलेज का लड़का क्या, हाँ हाँ, किस तरह से सोचता है, लड़की किस तरह से सोचती है, जी जी, उनकी प्रायोरिटीज जिंदगी में क्या है। तो ये कल जो बच्चे आएंगे सर उनके ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा सारा। देखो सर को मैं लेके आ रहा हूँ, अब तुम लोग के लिए मोटिवेशन फैक्टर है कि अगर तुम लोग अच्छा लिखते हो तो मे बी यू कैन बी इन द कैंप ऑफ सर। एनीबॉडी, हाँ, एनीबॉडी, इफ यू हैव द कैपेसिटी एंड द पोटेंशियल। हाँ, तो वो है बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है और बहुत ही, और जिनको सर मुझे लगता है लाइमलाइट में बहुत रहने का मन नहीं होता है यानी ऑन स्क्रीन, लेकिन उनको चाहते हैं कि वो किंग मेकर, जिस तरह से एक टर्मोलॉजी पॉलिटिक्स के लिए होती है सर, जिसमें आप पर्दे के पीछे होते हैं लेकिन सत्ता आप बनवाते हैं। जी, जी। तो स्क्रिप्ट राइटर का भी कुछ मुझे लगता है कि सर ऐसा ही है कि मतलब ये ब्रह्मा का काम है कि आपके लिखे हुए पे सबकी तकदीर तय होगी कि कौन क्या बोलेगा। जैसे एक फिल्म आई बोलती है बड़ी बेइज्जती, गजब बेइज्जती है, अब ये रील इतना वायरल हुआ लेकिन ये कोई तो लिखा होगा ना सर ये लाइन, तो वो ताकत है सर स्क्रिप्ट राइटिंग में। या फिर शोले में है कि बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना, तो अब कोई तो लिखा ये लाइन ना किसी के तो। तो सर आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वर्कशॉप में, मतलब कैसा लग रहा है, मतलब कि 100 से ऊपर बच्चे रहेंगे? मजा आएगा। जी, क्योंकि आप लोग अब पहुंचने वाले हैं। हाँ, जितने बच्चे हैं ज्यादा हैं उनका, हम देखो वर्कशॉप वगैरह हम करने जाते हैं। जी जी सर, वहाँ पे ये नहीं कि हम उनको सिखाने जाते हैं, हम भी कुछ सीख के जाते हैं। ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स, वी ऑलवेज लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। जी जी सर, इसीलिए मुझे वर्कशॉप करने का जाने का शौक है। मैं जहाँ मौका मिले मैं चला जाता हूँ। जी 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 सर, मैं मना नहीं करता। जी सर, अच्छा सर, ओंकारा जब देख रहे थे सर तो उसमें जैसे वो बोलता है अवधि में, आई थिंक सर कहीं से कहीं, तो स्क्रिप्ट सर वो स्टैंडर्ड हिंदी में लिखना पड़ता है या रीजनल जहाँ का पृष्ठभूमि है, जैसे बिहार पे कोई फिल्म बन रही है जहाँ का, हाँ हाँ, पृष्ठभूमि है ध्यान पर आपने वो सर, लेकिन ओमकारा में ना रिचुअल्स जो है वो हम लोग के ट्रेडिशन से है जो वहाँ पे उस फिल्म में जो दिखाया गया ना मूवीज में। ओमकारा क्या है, देखो विशाल भारद्वाज ने डायलॉग लिखे हैं। जी जी, सबने बैठ के स्क्रिप्ट लिखे। विशाल भारद्वाज यूपी का रहने वाला है। जी जी सर, वो वहीं से बड़ा हुआ है, कॉलेज वगैरह किया, बाद में दिल्ली चला गया। जी जी, तो और हम लोग गए थे मेरठ, और मेरठ में कुछ दिन ठहरे, लोगों से मिले, वहाँ के जो स्टूडेंट लीडर थे बाहुबली थे उनसे मिले। जी जी सर, फिर मेरठ जेल में गए, दो चार बाहुबलियों से मिले जिन्होंने मर्डर किया हुआ है और जेल में बंद है, पॉलिटिकल मर्डर किया हुआ। जी जी सर, तो ये सारी रिसर्च काफ़ी की हम लोगों ने। अच्छा अच्छा सर, तब जाके आला की पकड़
डायलॉग्स के ऊपर पकड़ तो इसके पास बहुत अच्छी थी, विशाल भारद्वाज के पास, जी जी, क्योंकि वो मेरठ के रहने वाले हैं। तो वही उनका सुनते थे डायलॉग, तो उधर गए थे, वो तो पता चल जाता है यूपी का ऊपर। और फिर सर ये हीरो पहले से तय होते हैं या स्क्रिप्ट पहले तय होता है? हीरो अजय देवगन को जाके हमने बोला था जी जी सर कि हम ओथेलो बनाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा सर। एंड आपको ओथेलो का रोल करना है। अच्छा अच्छा। उसको ये भी पूछा कि आपको कहानी पता है, शेक्सपियर ने लिखी हुई? कहता मैंने एक बार सुनी थी कहीं कॉलेज में, अभी मुझे याद नहीं है लेकिन आप लोग सुना दें। और सैफ अली खान सर ने जो एक्टिंग की है ना, और मुझे लगता है सर शाहरुख खान जो बाजीगर में वो करता है सर, गजब वो, मतलब वो और वो मतलब क्या कहिएगा, आज तक वो स्टारडम शाहरुख खान कभी डाउन ही नहीं हुआ। अभी देखिए ये जो ब्लॉकबस्टर हुआ है, मतलब उनका कभी गिरा नहीं उस तरह से फिगर। DDLG, बाजीगर और वो डर, ये सब दो तीन फिल्में 90 के दौर की, तो ये सब फिल्में ही तो एस्टैब्लिश कर दी हैं सर, पूरा फिल्म इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया। अब तो बहुत कंपटीशन है एक्सेस है, लेकिन उस समय एकदम मतलब मुंबई के सामने कुछ नहीं था, साउथ वगैरह देख लीजिए या फिर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री कहीं नहीं था मतलब उस समय। अब तो OTT भी नहीं, कुछ नहीं था, तो एक छत्र राज था सर। तो और उसमें ये सब फिल्में तो खैर, शादी हो बारात हो, उसमें भोजपुरी, अब तो आप भोजपुरी गाने भी कुछ सुनेंगे सर, लेकिन उस समय तो बस वही आज की का गाना बज गया। अगर किसी को अगर प्यार हुआ है तो भी सुनेगा, और अगर तकरार हुआ है वही गाने सुनेगा, और कहीं कुछ और कहीं आपको मलम मिलने वाला है नहीं, और वही गाने और वही डायलॉग सुन सुन के अपने दोस्त से भी आप उसी तरह से ट्रीट करते हैं। आ गए ये स्टेट गेस्ट हाउस है सर, और आप राजकीय अतिथि हैं पूरे राज्य सरकार की, हम लोग को जिम्मा दिया गया है लेकिन आप अतिथि राज्य सरकार के हैं सर, और ये राज्य सरकार की ही अतिथिगिरी है सर। चलिए, थैंक यू सो मच, बंद कर दो।